वेल गुड मॉर्निंग, प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को। और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से जुड़ करके। और आइए मेरे साथ अपने बाइबिल को खोलेंगे, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2:21, पहला सैमुएल अध्याय 2:21 पद। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड विजिटेड हन्ना सो दैट She conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और सैमुअल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आज के सुबह मैं बात करना चाहता हूं that be ready for God's visitation. कि परमेश्वर द्वारा भेंट के लिए आप तैयार हो जाएं। और विजिटेशन का मतलब होता है सुधि लिया जाना या परमेश्वर से भेंट करना या कृपा दृष्टि होना। और यू नो व्हेन गॉड विजिट्स अ सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू ऑकर्स। और जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और हमसे भेंट करता है तो एक अलौकिक छुटकारा एवं आशीष आने पाती है। प्रोफेटिक वर्ड्स आर फुलफिल्ड, सीजंस आर चेंज्ड एंड न्यू थिंग्स आर ब्रॉट टू बर्थ। भविष्यवाणियों के वचन पूरे होते हैं, परमेश्वर का वायदा पूरा होता है, एक नया ऋतु आता है, एक नया समय आता है, नए नए काम और मिशन हमारे जीवन में आते हैं। सो ईश्वरीय भेंट या सुधि लिया जाने को हम लोग एक अपवाद के रूप में न लें, वरन यह हमारी आशा होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना के साथ तैयारी होनी चाहिए कि किसी भी समय परमेश्वर हमसे भेंट करने पाए। और जब हम लोग परमेश्वर के भेंट के अर्थ को समझते हैं तब हम लोग अपने आप को तैयार करने पाएंगे। वी कैन पोजिशन एंड प्रिपेयर आवर सेल्व फॉर इट। हम लोग अपने आप को उस अवस्था में रखने पाएंगे, उस स्थिति में रखने पाएंगे, अपने आप को ट्यून कर लेंगे परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर हमसे भेंट करने आने पाए। और परमेश्वर का भेंट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आकर से भेंट करना या मुलाकात करना, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे भेंट करता है तो हमारे जीवन में ढेर सारे आशीषों को लेकर आता है, हमारे जीवन में आत्मिक जागृति को लेकर आता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। सो आए अभी हम लोग पर बाइबिल से देखेंगे कि जब परमेश्वर अपने लोगों से भेंट किया तो वहां पर क्या हुआ और क्या आशीषें आई। सो उत्पत्ति अध्याय 21:1 में हम लोग देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 21:1 में, एंड द लॉर्ड विजिटेड सैरा एज ही हैड सेड एंड द लॉर्ड डिड फॉर सैरा एज ही हैड स्पोकन। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो यहां पर इस पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने, यू नो व्हेन गॉड विजिटेड, गॉड फुलफिल हिज प्रॉमिसेस एंड रिमूव्ड बैरननेस। जब परमेश्वर ने सारा से भेंट किया सो परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया तथा उसके बांझपन को दूर किया। सो इट रिजल्टेड इन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी एंड द बर्थ ऑफ आइजक। और परमेश्वर का वायदा और भविष्यवाणी जो बहुत दिन पहले से परमेश्वर ने बोल के रखा था कि तुम्हारा अपना बेटा होगा, अपना संतान होगा, और वह वायदा और भविष्यवाणी पूरा हुआ और इसहाक के जन्म के साथ। और इसहाक का नाम पड़ा, इसहाक के नाम का अर्थ होता है लाफ्टर, यानी कि हंसी। द बर्थ ऑफ आइजक मेड सारा एंड द फैमिली जॉयस एंड द सोर ऑफ बैरननेस वॉज रिमूव्ड। और इसहाक के जन्म के साथ ही सैरा और उसके परिवार से उदासी चली गई, उनके जीवन में हंसी और आनंद और खुशी उनके और उनके परिवार में आने पाया, और जो बांझपन का जो दुख था वह दूर होने पाया। हालेलुया। द सिमिलर थिंग हैपेंड विद हन्ना आल्सो। और यही चीज हन्ना के साथ भी हुआ। शी वाज बैरन एंड सो वेरी डाउन हार्टेड। और हम लोग देखते हैं कि हन्ना जो कि बांझ थी और उसके कारण से वह बहुत ही उदास रहती थी और बहुत व्याकुल रहती थी और वह चिढ़ती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की।
एंड गॉड विजिटेड हर एंड मेड हर मदर्स ऑफ मेनी चिल्ड्रन, और परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और उसको बहुत सारे बच्चों का माता बनाया। पहला सैमुएल अध्याय 2:21 में हम लोग देखते हैं कि यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और सैमुएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। सो सिर्फ सैमुएल ही नहीं हुआ वरन उसके अलावा और 5 और बाल बच्चे हन्ना को होने पाया। सो उसके सारे बांझपन दूर होने पाया, शी बिकेम फ्रूटफुल। और आज मैं सिर्फ बांझपन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कई बार हम लोग भी एक बांझ के समान होते हैं। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेवकाई करते हैं, लेकिन कोई फ्रूट नहीं दिखता है। जीवन और हमारे काम धन उजाड़ पड़ा हुआ रहता है, लगता है कि कोई बरकत नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। बट when God will visit you, you and your works will become fruitful। लेकिन जब परमेश्वर आपको उससे भेंट करेगा, आपकी सुधि लेगा, सो आपके काम और आप फलवंत होने पाएंगे, सारे उजाड़पन और सूखापन दूर होगा और आपका जीवन फलवंत होने पाएगा। सेकेंडली, when God visited his people, he delivered his people from bondage। जब परमेश्वर अपने लोगों से भेंट किया और या सुधि लिया तो परमेश्वर उसको सारे बंधनों से भी छुड़ाया। और हम लोग देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 4:31 में, निर्गमन अध्याय 4:31 में, when they heard that the Lord had visited the children of Israel and that he had looked on their affliction, then they bowed their heads and worshipped। और लोगों ने उनकी प्रतीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। सो हम लोग जानते हैं कि इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे करीब 400 वर्षों तक, एक लंबे समय तक, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया। एंड देन गॉड विजिटेड देम थ्रू मोसेस। परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया, मूसा के द्वारा उन लोगों से भेंट किया, उनसे बातें की और उन लोगों को हर एक प्रकार के जो गुलामी और बंधन से उनको छुटकारे दिलाए। सो दे रियलाइज्ड दैट गॉड हैड नॉट लेफ्ट देम अलोन इन देयर सफरिंग बट वाज इंटीमेटली कंसर्न फॉर देम, और उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें अकेला यूं ही दुख में पड़े दुख उठाने के लिए नहीं छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया है और उनके छुड़ौती के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है और ढेर सारे चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म करके, जैसा हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने उनको छुटकारा प्रदान किया और बंधन से छुटकारा दिया। सो आज आप किसी प्रकार के बंधन में है ना, किसी प्रकार के गुलामी में है। आज हमारा जरूर देश आजाद देश कहलाता है, लेकिन आज भी लोग हैं जो हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, जो हम पर राज करना चाहते हैं, कई बार अपने लोग भी हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, हमें उठने नहीं देना चाहते, हमारे मेहनत का फल देना नहीं चाहते, और कई बार शैतान भी हमें दबाए हुए रखना चाहता है और सताते रहता है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर आपको विजिट करना चाहता है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड गॉड वांट्स टू डिलीवर यू फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बॉन्डेज। परमेश्वर आपकी सुधि लेकर आपको छुड़ाएगा और हर एक प्रकार के बंधन से आजादी देना चाहते हैं। थर्डली, व्हेन गॉड विजिटेड, गॉड प्रोवाइडेड हिज पीपल इन फैमिन, इवन इन फैमिन। सो परमेश्वर जब लोगों से भेंट किया तो उनके अकाल में भी परमेश्वर ने आपूर्ति की। रूत अध्याय 1:6 में हम लोग पढ़ते हैं, रूत चैप्टर 1:6 में, Then Naomi arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. तब नाओमी मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि बेतलहम या यहूदा में एक बार बहुत ही अकाल आया
और ऐसा अकाल आया कि वहां के लोग इधर उधर तीतर बीतर होने लगे। और हम लोग देखते हैं कि नौमी और उनके परिवार के लोग भी अपने देश को छोड़कर, यहूदा को छोड़कर मोआब देश को चले गए थे, कई वर्ष वहां पर रहे। और उधर ही उनके नौमी के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके देश को परमेश्वर ने सुधी लिया और वहां पर फसल हो रहा है, अनाज सब कुछ हो रहा है। सो नौमी अपने बहुओं समेत अपने देश की ओर लौट जाने के लिए तैयार हुई। हालांकि बाद में देखते हैं मात्र एक ही बहू जो रूत थी वही उनके साथ वो गई। सो परमेश्वर ने उस अकाल में भी अपने लोगों का सुधी लिया और उन्हें फिर से भोजन वस्तु आकर देकर उनके लाइफ को पुनर्स्थापित किए। चौथी बात हम लोग देखते हैं, व्हेन गॉड विजिटेड, गॉड रिस्टोर्ड पीपल्स इनहेरिटेंस एंड आल्सो ब्रॉट देम होम बैक। जब परमेश्वर अपने लोगों को विजिट किए, भेंट किए, सुधी लिए, सो परमेश्वर उनके विरासत को और उनके घर बार को फिर से पुनर्स्थापित किए। जेरेमिया चैप्टर 29:10 में लिखा हुआ, यर्मिया 29:10 में, फॉर दस सेज द लॉर्ड आफ्टर 70 ईयर्स आर कंप्लीटेड एट बेबीलोन आई विल विजिट यू एंड परफॉर्म माई गुड वर्ड टुवर्ड यू एंड कॉज यू टू रिटर्न टू दिस प्लेस। यहोवा यों कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपने यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। सो कई बार हम लोग यहां पर देखते हैं कि इजरायली लोगों ने अपने विरासत को भी खो दिए थे और अपने ही पाप और गलतियों की वजह से गुलामी के में चले जाते, जैसे बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया, उन्हें फिर से अपने घर बार में रिस्टोर किए। और सो ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी कई बार अपनी गलती से अपने इनहेरिटेंस, परमेश्वर के दिए हुए चीजों को खो बैठते हैं। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पास वापिस आते हैं, सच्चे पश्चाताप के साथ मन फिराते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ रिस्टोर कर देगा और हमें वापिस जहां हम लोग थे उससे बढ़ करके हमें ऊंचे स्थानों में स्थापित करेगा। सो दी अल्टीमेट डिवाइन विजिटेशन हम लोग देखते हैं यीशु मसीह में, किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के व्यक्तित्व में लोगों से मुलाकात की। लुका अध्याय 1:68-78 में लिखा हुआ है, लुक चैप्टर 1:68-78 में, ब्लेसड इज द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल फॉर ही हैज विजिटेड एंड रिडीम्ड हिज पीपल, द डे स्प्रिंग फ्रॉम ऑन हाई हैज विजिटेड अस। कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि किया है और उनका छुटकारा किया है। सो नया नियम में जकरिया यह स्तुति गान करते हैं जो याजक था, और वह समझने पाया, एंड ही अंडरस्टूड दैट द अल्टीमेट विजिटेशन ऑफ गॉड टू हिज पीपल वाज फुलफिल्ड इन द बर्थ ऑफ अवर लॉर्ड एंड रिडीमर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो जकरिया याजक यह समझने पाया कि जो परमेश्वर का जो भेंट है वह यीशु मसीह, जो मसीहा आने के बारे में बातें हो रही थी, वह यीशु, बालक यीशु के जन्म के द्वारा पूरा होने पाया है। बाद में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह धरती पर थे, सो एक बार यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के एक जवान बेटे को जो कि मर गया था 9 में, यानी वहाँ पर उसको पुनर्जीवित किए, एक नया जीवन प्रदान किए, उसे जिंदा कर दिए मृतक को, तो सब लोगों पर बड़ा भय छा गया और लोगों ने कहा, लुका अध्याय 7:16 में, देन फियर केम अपॉन ऑल एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड एंड सेइंग अ ग्रेट प्रॉफिट हैज रिजन अप अमंग अस एंड गॉड हैज विजिटेड हिज पीपल। और जब उन लोगों ने देखा कि एक मृतक व्यक्ति कैसे जिंदा हो गया, तो सब पर बड़ा भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर ने अपने लोगों को सुधी लिया है और कृपा दृष्टि की है। सो यीशु मसीह के द्वारा स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आए और लोगों के बीच में डेरा किए
और यीशु मसीह जब आज से 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पर थे तो एक समय वो एक ही जगह हो सकते थे, और इस कारण यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता हूँ लेकिन एक और सहायक भेजूंगा जो वो तुम्हारे साथ होगा और तुम में रहेगा। He will be with you and he will be in you। So, हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों का अध्याय 2 में जो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा और इस प्रकार से चर्च की स्थापना हुई और विश्वासियों के जीवन में स्वयं परमेश्वर की आत्मा रहने लगा। और आज भी इतने वर्षों के बाद भी द स्पिरिट ऑफ गॉड नॉट ओनली विजिट अस बट ही लिव्स इन अस। परमेश्वर की आत्मा न केवल हमसे भेंट करती है वरन वो हमारे अंदर रहने के लिए भी तैयार है यदि हम लोग तैयार रहें। सो नाउ वी विल सी 3 वेज टू पोजीशन फॉर डिवाइन विजिटेशन। और जबकि हम लोगों ने सुना कि इस प्रकार से परमेश्वर भेंट करने के लिए तैयार है तो हम लोग अभी 3 तरीकों को देखेंगे कि जिसके द्वारा ईश्वरीय भेंट के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें, पोजीशन कर लें अपने आप को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड गॉड्स टाइमिंग। सर्वप्रथम हम लोग परमेश्वर के समय को समझने वाले होने पाए। द प्राइमरी की टू एक्सपीरियंसिंग डिवाइन विजिटेशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। और जो प्राथमिक जो एक कुंजी है कि ईश्वरीय भेंट को हम लोग समझ सकने पाए वह है कि परमेश्वर के समय को समझें। और बाइबल कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन प्रसन्नता का वर्ष। पुराना नियम में एक ऐसा समय था कि जब परमेश्वर कभी कभी लोगों से भेंट करता था, फिर मलाकी से लेकर के मत्ती के बीच में बहुत बड़ा गैप है जहां पर हम लोग देखते हैं कुछ ज्यादा हम लोग नहीं देखने पाते परमेश्वर के भेंट के विषय में। फिर मत्ती में हम लोग देखते हैं कि मत्ती लोग ऐसा गॉस्पेल्स में कि यीशु मसीह वहां प्रकट हुए और लोगों से भेंट की। एक्ट चैप्टर 2 में पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज हमसे भेंट करता है। सो अभी का समय है एक प्रसन्नता का वर्ष। आज का दिन परमेश्वर आज आपसे भेंट करने के लिए तैयार है और यही राइट टाइम है। और जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर के समय को समझकर उस अनुसार से तैयार होने पाए। लुका अध्याय 19 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यरूशलेम में गए और लोगों ने नहीं समझा उस अवसर को। लूक चैप्टर 19:44 लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है बिकॉज यू डिड नॉट नो द टाइम ऑफ योर विजिटेशन। क्योंकि तूने यह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। यरूशलेम के कई लोगों ने जब स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वहां विजिट कर रहे हैं लोगों ने नहीं पहचाना और इसलिए यीशु मसीह वहां पर यरूशलेम पर रोए और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर के विजिटेशन को नहीं समझ सकने पाए उसके समय को। लेकिन आज हम लोग मूर्ख ना बने। आज हमें बाइबिल में साफ लिखा होगा अभी का समय एक प्रसन्नता का वर्ष। हम लोग बहुत ही अंत में पहुंच रहे हैं। बहुत जल्द चर्च और सारे विश्वासी भाई बहन ऊपर उठा लिए जाएंगे और स्वर्गवास करेंगे और वह समय खत्म हो जाएगा प्रसन्नता का वर्ष का। वरन एक ऐसा समय आएगा दंड का, न्याय का, क्लेश का समय होगा। और सो आज का समय कि प्रभु हमसे प्रसन्न है और हम लोग परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं। सेकेंडली प्रे इन द सीजन ऑफ डिवाइन विजिटेशन। ईश्वरीय भेंट के ऋतु में हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाए। भजन संहिता 106:4 में लिखा हुआ है रिमेंबर मी ओ लॉर्ड विद द फेवर यू हैव टुवर्ड योर पीपल ओ विजिट मी विद योर सालवेशन। भजनकार कहता है हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। और हम लोग देखते हैं कि हन्ना भी ना वो प्रार्थना की और उसने क्या प्रार्थना की हम लोग पढ़ते हैं पहला साइमुर 1:11 में ना वो प्रार्थना की उसने मन्नत मानी हे सेनाओं की यहोवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। सुबह एक मन्नत मानी परमेश्वर से यहोवा से हे परमेश्वर
यदि आप मुझे सुधि लेती हैं तो मैं ये मन्नत मानती हूँ कि मैं उस अपने पुत्र को आपके चरणों में अर्पित करूंगा आपके काम के लिए। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और उसको एक बेटा हुआ सैमुअल, और उसके बाद भी हम लोग पढ़ते हैं कि और भी बेटा बेटियां हुई और सैमुअल को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया उस जमाने में। सो हम लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमारी सुधि लें। हमें जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर की सुधि लें। हम लोग दुनिया के फालतू बातों में बहुत सारे लोग उलझे हुए रहते हैं और परमेश्वर को याद नहीं करते, लेकिन हमें जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर की सुधि लें और वह हमसे भेंट करने के लिए तैयार है। यशायाह 55:6 में लिखा, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर। कि परमेश्वर को ढूंढो जबकि वो पाया जा सकता है और उसे पुकारो जबकि वो आसानी से मिल सकता है। तो परमेश्वर निकट है। अभी एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर बहुत दूर हो जाएगा और उस समय वह मिलने भी नहीं पाएगा। उस समय प्रार्थना करने से लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सो आज वो दिन है जब हम और आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से भेंट हमारी हो सकती है। तीसरा, पार्टिसिपेट विद गॉड इन ओबीडियंस। हम लोग आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर से भेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब प्रभु हमसे कोई बातें करता है सो हम लोग परमेश्वर से भेंट करने के लिए ही मन ना बनाए, वरन परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं को पूरा करें। परमेश्वर की आज्ञाओं को कहाँ पाते हैं? बाइबिल में। और जबकि मैं अभी आपका सामने यह वचन प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके हृदय से कुछ बोलेगा। ना कि तुम प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, चर्च को जाओ, दान दो, या गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, या तुम फलाने काम करो। और जब प्रभु आपसे कहता है तो आप करने के लिए तत्पर हो जाए, आज्ञा को पूरा करें। आज्ञाकारिता में आप देरी ना करें, क्योंकि यदि हम और आप देर करते हैं तो हमारी आशीष भी देर से आती है या हो सकता है नहीं भी आए। सो हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान करके परमेश्वर से भेंट करने के लिए तत्पर हो। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि थ्रू आवर रिलेशनशिप विद गॉड वी कैन एक्सपीरियंस द ऑन गोइंग विजिटेशन ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। Move from vegetation to inhabitation। हम लोग परमेश्वर के साथ हमारे अच्छे संबंध में रहने के द्वारा हम लोग लगातार परमेश्वर से भेंट का एक समय रख सकते हैं। वरन से भी अब भेंट का मुलाकात का समय नहीं होगा, सिर्फ कभी कभार का मुलाकात का, या सिर्फ संडे का संडे भेंट का। वरन स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन में और आपके जीवन में लगातार प्रभु रहना चाहता है। विजिटेशन से इनहैबिटेशन में यह तब्दील हो जाएगा। सो आज मैं प्रार्थना करूंगा, टुडे आई प्रे विद यू दैट यू एक्सपीरियंस अ पावरफुल विजिटेशन ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ, अपॉन योर फैमिली, अपॉन योर वर्क, अपॉन योर एरिया इन मिनिस्ट्री। सो आज मेरी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपसे भेंट करे और परमेश्वर के आप आशीषों को रखने पाए और आपके दिशा और दशा प्रभु बदल डाले पाए। सो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा इस वचन में हमने पढ़ा प्रभु जी आप भेंट करने के लिए तैयार हैं और प्रभु जी हमारी सुधि लेते हैं। और हम प्रार्थना विनती करते हैं भाई बहनों की आप सुधि लें, इनके इनसे आप भेंट करें और अपनी पवित्र आत्मा उड़े और इनके जीवन में एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आने पाए, बंधनों से छुटकारा मिलने पाए प्रभु परमेश्वर। और इस अकाल और महामारी के समय में भी इनके जीवन में आप पूर्ति आने पाए, इनके जीवन में आप आशीष उड़े लें, हर एक प्रकार के बांझपन को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। लॉर्ड माय गॉड यू मेक देम फ्रूटफुल, आप इन्हें फलवंत करें, इनके व्यवसाय, इनके रोजगार, इनके वर्क में प्रभु जी फ्रूटफुलनेस को लेकर आए। महान स्वर्ग के पिता परमेश्वर इनके सेवकाई को फ्रूटफुल बनाए। लॉर्ड माय गॉड यू गिव देम मेनी सोल्स एंड मेनी फ्रूट्स ऑफ गॉड। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सारे बच्चे यूथ को भी हम आपके आशीष में रखते हैं
प्रभु जी उनके प्रार्थनाओं को सुने, उनके अध्ययन में आप आशीष करें। लेट देम हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड कैरियर रिगार्डिंग यू इन जीसस क्राइस्ट। और प्रभु जी एक अच्छा भविष्य और उनके अध्ययन में आप सहायता करें। प्रभु परमेश्वर सब प्रभु जी हम आपके चरणों में देते हैं, इनके सारी प्रार्थनाओं को सुन लें और स्वर से उत्तर देने के लिए विनती करते हैं। इनसे आप भेंट करें, अपनी पवित्र आत्मा इन्हें दें। धन्यवाद सही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।